अब थोड़ी सी बात करते हैं डीएनए की। डीएनए जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या होता है बेटा? डबल चेन होता है, डबल स्ट्रैंड होता है डीएनए। डीएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का डबल स्ट्रैंडेड चेन होता है। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड का? दूसरी बात ये बेटा, ये इसके हेलिक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हेलिक्स डबल होते हैं। कुछ चीजें हैं अभी से आप समझ लीजिए। ये डबल हेलिकल कैसे बनाता है बेटा? देखो ध्यान देना, जैसे मैंने ये डीएनए बना दिया, तो ऐसे नहीं होता है ये, एक्चुअल में ये ऐसे होता है। ठीक, एक यदि 5 प्राइम होगा तो यहां पे 3 प्राइम होगा, यदि ये 3 प्राइम होगा तो यहां पे 5 प्राइम होगा, ये सब बता रहे हैं। इनका जो एक टर्न होता है जिसको पिच कहते हैं, टर्न या फिर पिच, मतलब एक एडिनाइन से चार बेस वन के टर्न, वन टर्न की जो लेंथ होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है या फिर 34 एंगस्ट्रॉम होती है। हाँ बेटा बताओ। मतलब चार बेस पेयर वाला न्यूक्लियोटाइड का चेन, चार बेस पेयर तो सब में था, एक 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 पिच में, एक पिच में चार नहीं होते हैं, एक पिच में होते हैं 10 बेस पेयर। ठीक है, अब यहां से यहां तक कितने बेस पेयर होते हैं बेटा? इधर भी लगे होते हैं, इधर भी लगे होते हैं न्यूक्लियोटाइड। कितने होते हैं? 10। वन पिच में कितना होता है बेटा? 10 बेस पेयर। तो एक बेस के बीच की दूरी कितनी होगी? 10 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। तो वन बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? एक एक बेस पेयर के कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम, या इसी कहते हैं 0.34 नैनोमीटर, दोनों में दिया रहता है। अब यहां पे जो इनके अंदर विड्थ होती है वो होती है 2 नैनोमीटर की, या इसी कहते हैं 20 एंगस्ट्रॉम, ये भी पूछा गया है। और आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है बेटा? बीटा डीएनए। तो डीएनए बेटा अल्फा बीटा, ए डीएनए बी डीएनए, बीटा कहो या बी कह दो, चलो बी डीएनए। तो बेटा यहाँ पे ए डीएनए बी डीएनए सी डीएनए डी डीएनए काफ़ी होते हैं, जिनकी बेस पेयर किसी की 18 होती है, किसी की 16 होती है एक टर्न में, लेकिन जो मैक्सिमम पाया जाता है वो बी डीएनए पाया जाता है, उसमें इतनी चीज़ें होती हैं। तो अब देखो, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ये है और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ये है। अब ये न्यूक्लियोटाइड की जो चेन होती है वो आपस में किससे जुड़ती है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये जो दोनों चेन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, वन चेन है ये, फिर पॉली न्यूक्लियोटाइड की दूसरी चेन है, ये आपस में जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। किससे जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो मैं कह दूं कि अच्छा जुड़ता कौन है इनमें? इनके बेसेस जुड़ते हैं। तो इनके बेस मैं कह दूं, अब देखो बेस, नाइट्रोजीनस बेस टू नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस टू नाइट्रोजीनस बेस किससे जुड़ गए बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। एक क्वेश्चन ये आता है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि प्यूरीन किससे ऐड होता है? पाइरिमिडीन से। प्यूरीन प्यूरीन से ऐड नहीं होता है, प्यूरीन किससे ऐड होगा? पाइरिमिडीन से। तो प्यूरीन में कौन था बेटा? ए जी। तो ए जो जुड़ता है वो किससे जुड़ता है? पाइरिमिडीन टी से। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और जी किससे जुड़ता है? सी से। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इसमें?
थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा बताओ जितने ए होंगे उतने टी होंगे, ए टी से जुड़ रहा है तो जितने ए उतने टी, जितने जी होंगे उतने सी होंगे। तो कहते हैं ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी इज कांस्टेंट इज इक्वल टू वन। बेटा ये होता है, अभी आगे डिटेल में पढ़ाएंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे, होता है चारगाफ रूल। ये बेसिक डीएनए का है, क्लियर समझ में आ गया। तो एक पिच में कितने बेटा बेस पेयर होते हैं, 10। 10 बेसेस नहीं होते हैं, 10 बेस पेयर, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक पिच की दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। एक पिच में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर। अब बताओ ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से किससे जुड़ती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब उसमें तो ये भी है कि ये जो न्यूक्लिक बेस होते हैं न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजिनस, वो हमेशा इनसाइड प्रोजेक्टेड होते हैं। सही बात है, इनसाइड प्रोजेक्ट है, ये बात तो वहाँ की है, वहाँ बताएंगे। नाइट्रोजिनस बेस से किससे जुड़ती है, प्यूरिन किससे जुड़ती है, पायरिमिडीन से, ठीक है। अब प्यूरिन में कौन कौन है, ए जी ए। पायरिमिडीन किससे जुड़ेगी, थायमिन से। देखो प्यूरिन पायरिमिडीन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से, दो। जी किससे जुड़ती है, सी से, कितने, दो। तो बताए ए प्लस जी जितना होगा उतना टी प्लस सी होगा। किसी एक का परसेंटेज हमें पता लग जाए तो हम चारों का निकाल लेंगे। मान लिया कि 30% एडिनिन है किसी डीएनए में, तो थायमिन कितने परसेंट होगा, 30-30-60% होगा। बचा कितने परसेंट, 40%। 40% में ग्वानिन और साइटोसिन बराबर होंगे 20-20। तो बेटा कभी कभी ये डीएनए में परसेंटेज देता है कि थायमिन जो है वो 10% है, तो बताओ ग्वानिन कितने परसेंट होगा, ग्वानिन बेटा 40% होगा। 10-10-20-40-40-100 कैसे, 40-40-100 हो गया 100। समझ में आ गया बेटा, इससे क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स नहीं बायोलॉजी में भी कभी कभी न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है आपको, वो क्वेश्चन आप करोगे जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में तो मिलेंगे। आज बेटा मैं 5 साल के, आज मैं उठा के पेपर देख रहा था, 18, 19, 20, 21, 22, 23 6 साल के पेपर देखा। 6 साल में हर साल बायोटेक्नोलॉजी से 8 क्वेश्चन आए हैं दोनों चैप्टर से मिला करके, और 22 में तो 12 क्वेश्चन थे। तो वो जो टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं उतने कायदे से पढ़ाऊंगा। अब इससे क्वेश्चन 4 आते हैं, इसलिए मैं खूब कायदे से टाइम देके आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे आपकी गलतियाँ ना हों, ठीक है। अब ये डीएनए का बेसिक बता दिए हैं, फटाफट इसका स्ट्रक्चर बता दूंगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। जल्दी बनाओ इसको स्ट्रक्चर यार, ये जिसने आरएनए का बना लिया। यहाँ पे शुगर कौन सी यूज होगी, शुगर यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज होगी। आरएनए में कौन सी शुगर यूज हुई थी, राइबोज। अच्छा बेसिक स्केलेटन में तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल सेकंड पोजीशन पे राइबोज में क्या होता है, ओएच ग्रुप होता है और डीऑक्सी एक्स होता है, बस सिंपल। इतना समझ में आता है, क्वेश्चन में हो जाएगा। बढ़ने के लिए लोग दवा खाने लगते हैं, कम हो जाए, कभी नहीं कम होगा। आप दिन भर में 5 लीटर पानी पीजिए, 4 लीटर पीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल कभी बढ़ जाएगा। क्या बोल रहे बेटा, किसमें बंधा हुआ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो बेटा रेड मीट खाना छोड़ दो। फैट इकट्ठा होने लगता है ना, कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेशन फैट का डेरिवेशन, बॉडी फैटी होने लगती है।
अब हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने ऐसे सीधे बना दिया, कोवेलेंट बॉन्ड की तरह नहीं बनता बेटा, ये डॉटेड बॉन्ड बनता है। इसको एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, कभी भी आप देखते हो तो ऐसे बनाते हैं। और ये कोवेलेंट बॉन्ड तो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है बेटा, इसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। ठीक है, फटाफट बनाइए। आज ये ख़त्म करके कार्बोहाइड्रेट स्टेट स्टार्ट कर दें। कार्बोहाइड्रेट में आपको थोड़ा सा मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड भी पेयर का मतलब यही होता है बेटा, तभी तो बेस पेयरिंग होती है। और ये स्ट्रैंड जो होते हैं एक दूसरे के, वो कैसे होते हैं, स्ट्रैंड एंटी पैरेलल। ये अभी मैं बता दूंगा एंटी पैरेलल कैसे हो रहे हैं, ठीक है, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा क्यों कहते हैं कि ये स्ट्रैंड एंटी पैरेलल है बेटा, बातचीत नहीं। पढ़ो अभी, अभी तुमको जर जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं कितनी बार कह रहा हूँ बॉडी में फैट बढ़ने लगता है, मूर्खो, फैट बढ़ने का मतलब क्या होता है, मोटापा होने लगता है। आँख के पास डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, देखोगे स्ट्रिप लेयर बनने लगती है। अब जो फैट नहीं है तो फिर सोचना ही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है बेटा, वो 35 के बाद का स्टार्ट होता है। बच्चों में फैट की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैक्सिमम विटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल होते हैं। जैसे बच्चे में, जैसे छोटा बच्चा है गोल मटोल सा, बोले अच्छा इसको कोलेस्ट्रॉल हो गया, पेरेंट्स चार घंटा मार के भगा देंगे डॉक्टर बनने के, पहले बोलेंगे कौन सी पढ़ाई कर रहे हो बताओ डॉक्टर बनने की, कहेंगे अच्छा बन चुके। फटाफट नोट करिए बेटा, जल्दी करो, अभी इसमें टाइम है, इसमें क्वेश्चन भी एक दो करा दूंगा मैं। जो हेलिक्स बनता है बेटा, ये भी अब याद ही रख लो जब इतना लिख रहे हैं तो, राइट हैंड क्वायल, ये सब वहाँ का पॉइंट है, लेकिन अब यहाँ डीएनए के बारे में इतना लिखे हो तो एक और लिख लो। जब हेलिक्स के पढ़ रहे हो तो लिखी लो कि राइट हैंड क्वायल। क्या नहीं मिलेगा डीएनए में, यूरेसिल, कौन सा बेस नहीं मिलेगा, यूरेसिल, ठीक। और आरएनए में कौन सा बेस नहीं मिलेगा, थायमिन। तो यही होता है ना, देखोगे कि वहाँ पे जब कोडॉन पढ़ते हो तुम तो एयूजी पढ़ते हो, एयूजीसी पढ़ते हो, कहीं भी टी नहीं आता है, क्योंकि आरएनए में कहीं भी थायमिन होता ही नहीं। अब कहेंगे ये हाइड्रोजन, ये जो है डीएनए का कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, किसका? ये बीटा डीएनए का कौन सा स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं, सेकेंडरी की टर्सरी, क्यों, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, ये तो बहुत जब टफ क्वेश्चन पेपर बनाएगा तब वो ऐसा देगा। सल्फाइड बॉन्ड कभी भी डीएनए में बनता ही नहीं है। सल्फाइड बॉन्ड किस में बनता है, अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड क्या होती है, प्रोटीन, और अमीनो एसिड में सल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए कौन होता है,
आरएनए जो कोडॉन कोड करता है। तो डीएनए में बेटा यही कारण तो होता है कि डीएनए में सल्फर नहीं होता है। जब डीएनए का हम टेस्ट करते हैं तो डीएनए में फास्फोरस टेस्ट करते हैं, ठीक है, और प्रोटीन में कौन सा टेस्ट करते हैं, सल्फर टेस्ट। डीएनए या जेनेटिक मटेरियल में जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें सबसे पहले यही एक्सपेरिमेंट था, मतलब जिसने ये बताया था हर्षा एंड चेज ने, उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर का यूज़ किया था, ठीक है। तो डीएनए में भूल से भी बेटा सल्फर मत लगाइएगा। डीएनए में कौन सा एलिमेंट होगा इनऑर्गेनिक, फास्फोरस तो पक्का होगा, खूब होगा, ठीक है, और क्या नहीं होगा, सल्फर नहीं होगा। और प्रोटीन में क्या होगा, सल्फर पक्का होगा क्योंकि अमीनो एसिड की बनी होगी। अब मेथियोनिन के बिना तो प्रोटीन बनी नहीं सकती है। बोलेंगे कैसे सर प्रोटीन नहीं बनेगी, क्योंकि मेथियोनिन जब आप पढ़ोगे ट्रांसलेशन में तो स्टार्टिंग कोडान होता है, पहला वही आता है, ठीक है। कौन कोड करता है, ए यू जी, इसीलिए कहते हैं ए यू जी का डुअल फंक्शन होता है। क्या करता है, एक तो स्टार्टिंग कोडान है, दूसरा मेथियोनिन कोड करता है, दो दो फंक्शन है। और जब आप पढ़ते हो ए जी हो गया यू ए ए यू जी ए यू ए जी, तो इसको कहते हैं स्टॉपिंग कोडान, क्योंकि इनके लिए कोई टीआरएनए होता नहीं, तो ये कोई अमीनो एसिड कोड करते ही नहीं है। चलो वो सब बात की बातें हैं, हो गया, बनाओ बनाओ जल्दी फटाफट बनाओ, फिर स्ट्रक्चर आप डीएनए बनाते हैं फटाक से और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं, क्यों इनको एंटी पैरेलल कहा जाता है, क्यों इनको 5' to 3' कहा जाता है, ये सब बातें क्यों होती हैं। पिछली बार भी इतना ही डिटेल में बताया था, थोड़ा एक आध दो पॉइंट होगा कि स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नहीं बताया होगा, कि बताया था स्ट्रक्चर। अच्छा एंटी पैरेलल कैसे होते हैं ये तो बताया होगा, स्ट्रक्चर बना के अब बेटे यदि चैप्टर कटा तो इन चैप्टर का वेटेज और हो जाएगा। ये 6 चैप्टर तुम्हारे कटे, मतलब 8 क्वेश्चन और ऐड करना है, तो वो 8 क्वेश्चन जो ऐड होंगे बेटा ना, वो एक बायोटेक्नोलॉजी में ऐड होगा, मतलब मिनिमम 10 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कम से कम 3 क्वेश्चन तुम्हारा ऐड होगा मॉलिकुलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स मिला करके, ठीक है। 1 क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ऐड होगा और 1 क्वेश्चन इवोल्यूशन में ऐड होगा, क्योंकि इवोल्यूशन बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत कंटेंट है, लेकिन उसमें 3 ही जगह से क्वेश्चन आता था, एक फॉसिल्स का कंपरेटिव जिसमें होमोलॉगस एनालॉगस आर्गन आते हैं, दूसरा रेडिएशन, तीसरा ह्यूमन एवोल्यूशन, फिर एक चैप्टर एक क्वेश्चन वो बढ़ा देगा जनरल थ्योरी पे, ठीक है। ना बिल्कुल नहीं आएगा, सोचना भी मत, 89 to 90 क्वेश्चन इन एनसीईआरटी, ये बाहर का नहीं है, तुमको लग रहा है एनसीईआरटी बाहर का है ना, एक भी बाहर का नहीं है, एनसीईआरटी में अलग अलग जगह दिया है लेकिन दिया हुआ है सब, मैं एक साथ एसिमिलेट करके पढ़ा रहा हूँ बेटा। मैं हर चैप्टर में मैक्सिमम 4 लाइन होगा, जो एक्स्ट्रा 5 लाइन बताता हूँ वो उसी क्वेश्चन के लिए हैं जो 1-2 क्वेश्चन बाहर से आते हैं, बाकी के लिए आप ये मत सोचिएगा कि मैं रमेश गुप्ता एमपी कौशिक पढ़ लूँ, बेटा समुद्र है, फंस जाओगे, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी भी क्वेश्चन बहुत सही हो जाएंगे। यूपीएससी के में जानते हो प्री में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, देखो 120 क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूँ एकदम, एक बार में यार क्वालिफाई किया था, दूसरी बार में तो मेंस भी हो गया था, पहली बार मेंस नहीं हुआ था। अब क्यों क्यों ऐसी गड़बड़ी होती जानते हो, वो यूपीएससी में लगते हैं वो पढ़ने ना जो कि कोई नहीं कर पाता है, मतलब एब्सर्ड क्वेश्चन जो बनता है, जो 10 साल के एब्सर्ड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को रटते हैं, उसी के आगे पीछे का सब पढ़ते हैं, ठीक है। यूपीएससी 80 क्वेश्चन नॉर्मल देता है, ठीक है, 80 क्वेश्चन कैसा देता है, नॉर्मल, 40 क्वेश्चन ऐसा देता है जिसकी हवा बेटा लगती नहीं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। प्री का रिजल्ट जनरल का जो जाता है वो 50 क्वेश्चन जाता है 120 में, बढ़ जाता है कभी कभी 55 तो 110 नंबर पे तो एकदम श्योर हो जाता है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि 55 नहीं करने, कितने करने हैं 60 करने हैं। इसको जो तैयार करने लगता है बेटा वो ये नहीं हो पाता है, इसमें खूब गलती करके चले आते हैं, मैं इसको छोड़ देता हूँ, छोड़ो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यदि होगी तो इनको छेड़ेंगे ही नहीं। इस 40 में
जो सारे एब्सर्ड क्वेश्चन है वो आया हुआ तो हर कोई देखता है लेकिन पढ़ता नहीं है। एब्सर्ड क्वेश्चन सारे देख लिए, 10 साल के 10 क्वेश्चन मिल गए। बाकी मैंने कहा ना कि इसका सिलेबस नहीं पढ़ना, क्योंकि इसका सिलेबस पढ़ोगे तो इसमें गलती होगी। इस 80 में तुम एक, ये 80 फिक्स होता है, कहाँ से आता है, अच्छे कंटेंट होते हैं वो पढ़ना होता है। इस 80 में 65 to 70 कर लो, कुछ एरर होता है, कुछ गलतियाँ होती हैं, ठीक है। ये करना ही नहीं, कैसे सिलेक्शन फ्री में नहीं होगा। 12-12 साल से तैयारी करते हैं बेटा, उनको इतना आता है ना, वो ऐसी से वो क्वेश्चन जाके पूछ देना तो जो UPSC का इंटरव्यू लेते हैं वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो पूछेंगे वो क्वेश्चन जो 12 साल तैयारी करते हैं कि जो कभी आता नहीं है। क्या मतलब है? आपको निकलना है बिलासपुर, आपने भिलाई वाले रूट पे निकल लिए, कभी नहीं पहुंच पाओगे ना। इसलिए बेटा फिक्स सिलेबस, मैं कहता हूँ ना बायो के लिए तो NCERT के सिवाय यदि कोई कहे कहीं का भी टीचर मॉड्यूल बनाया हो और कहे मेरे मॉड्यूल पढ़ो, तो उसको प्रणाम कह के निकल जाइएगा कि ठीक है आप गुरु हैं, मैं आपको कुछ बोलूँगा नहीं, बोलने के लिए बहुत बोल सकता हूँ, बोलूँगा नहीं, प्रणाम करके चले जाइएगा। NCERT बेटा, NCERT छोड़ के कुछ पढ़ना मत। मैंने बताया ना, तुम नोट्स पढ़ लो, नोट्स पूरा NCERT को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस नोट्स पढ़ लो और NCERT पढ़ो। इसके बाद बोले एनर्जी बच गई तो NCERT 3 बार और पढ़ो, बोले सर 5 बार NCERT पढ़े हैं, 2 बार और पढ़ो, दूसरी किताब पढ़ने से अच्छा है 2 बार और पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार टाइम कम लगेगा, चीज़ें एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी बस। या तुम्हारे टेस्ट में अभी तक NCERT के बाहर का मैंने केवल 1 क्वेश्चन डाला है जो मुझे याद है, वो भी मैंने मेटासेंट्रिक आर्म पूछा है, ठीक है। अब तक सब मेटासेंट्रिक का, अब तक 3 टेस्ट हो चुका है, उसमें मैंने NCERT का 1 बाहर का क्वेश्चन डाला है बस। बाकी कोई क्वेश्चन तुम लेके चले आओ और बता दो सर ये NCERT में नहीं था, क्योंकि आता नहीं है यार, मैं क्यों डालूं। और आपको देखोगे हर 2-3-4 टेस्ट में या हर 1 टेस्ट में एक आध क्वेश्चन में वैसा डालूंगा, उस क्वेश्चन को सीधे याद कर ले, कोई कॉन्सेप्ट मत लगाओ, सीधे याद कर लो। आपके पास 25-50 ऐसे क्वेश्चन होंगे एब्सर्ड टाइप के, आपको याद हो जाने चाहिए, बस खत्म बात। यदि एब्सर्ड बनेंगे तो वहीं से बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। NCERT में बोला 89 to 90। अब तुम NCERT छोड़ना क्यों चाहते? मैं कहता हूँ 88 आ रहे हैं यार, NCERT से 2 बाहर आ रहे हैं हर साल, होता नहीं है, पिछले 3 साल से कोई बाहर आया ही। लेकिन तो क्यों छोड़ोगे? 2 क्वेश्चन के लिए तुम अलग किताब पढ़ोगे, 88 तैयार करो भैया पहले, ठीक है। और इस साल में मैं कह रहा हूँ 89 क्वेश्चन, मिनिमम 88 क्वेश्चन आता है ना, 88 NCERT से आएगा। अब 88 नहीं, अब तो 100 आ रहे हैं ना, 98 NCERT से। इसलिए आगे पीछे का या इधर उल जलूल का बेटा पढ़ना बिल्कुल बंद कर देना। 32 ईयर लगाओ, थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर मिले मॉड्यूल वॉड्यूल को कर लो, और बायो के क्वेश्चन आपके निकलेंगे तभी जब आपकी थ्योरी पूरी तैयार होगी। बोले हम क्वेश्चन नहीं करें, तो क्वेश्चन एक बार केवल प्रैक्टिस के लिए की जाती है, जिससे वहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए करते हैं कि 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न ना हो। बोले NCERT पूरी तैयार है, तो आपको मैं सीधे कहता हूँ NCERT आपको लाइन बाई लाइन तैयार है और कॉन्सेप्ट के साथ आपको तैयार है कि हाँ डी ग्लूकोज बी ग्लूकोज इसका स्ट्रक्चर में तैयार है, तो क्वेश्चन भी नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे आंसर ठीक होंगे। लेकिन आलतू फालतू नहीं करना बेटा। वो फिजिक्स में सर बुक पढ़ लो, हाँ फिजिक्स में बुक पढ़ सकते हो, बस टर्म और कंडीशन है। टर्म कंडीशन ये है कि आपका पूरा नोट्स तैयार हो और 32 ईयर के क्वेश्चन एकदम तैयार हो, फिर आप कोई बुक पढ़ो। और कोई बुक में आप कहोगे सर प्रीफर करो, तो सबसे पहले आपकी NCERT। बोले सर NCERT ख़त्म कर दी तो SC वर्मा ख़त्म कर दी तो मार्केट का कोई बुक उठाना हो तो बेटा यूरोडो पढ़ना फिर, क्योंकि आप फिर साइंटिस्ट लेवल पर जाने वाले हो। सही बता रहा हूँ मैं, मजाक नहीं है। अब कहेंगे कि SL अरोरा पढ़ लें, प्रदीप पढ़ लें, प्रदीप दिनेश सुरेश अरोरा अरोरा बाद में पढ़ना बेटा, ये सब पढ़ने से पहले अपने आप NCERT ख़त्म कर लेना। चलो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, देखो यार अपने आप को देखना हो टीचर सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, आप 5 साल के पेपर उठा के देख लो, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कैसे करना चाहिए। बोले NCERT पूरी तैयार हो जाए, NCERT पूरी IIT वाले तैयार नहीं कर पाते बेटा फिजिक्स की, क्योंकि फिजिक्स की NCERT पूरी तैयार हो जाती ना तो IIT में टॉपर हो जाता है वो। NCERT बेटा कागर में सागर है। बोले NCERT थ्योरी पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं सर बहुत सिंपल है, हाँ कभी पेज पलट के एक्सरसाइज भी देख लिया करो, ठीक। चलो स्ट्रक्चर में पहले पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं जो मैंने बनाया था। NCERT को पढ़ना पड़ेगा? नहीं यार जरूरत, मैंने कहा ना पहले नोट्स,
32 ईयर, उतना पूरा 100% तैयार। एनसीईआरटी में कुछ लाइनें होंगी कि आप देखोगे नहीं लिखवाएंगा वहाँ से तो एनसीईआरटी के बेटा फिजिक्स के क्वेश्चन जो थ्योरी वाले आते हैं ना वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड आते हैं, ऐसी वो थ्योरी नहीं डाल देता है, कोई भी लाइन लिखी उठा के डाल दिया। यदि ऐसी लिखती तो ऐसा यदि क्वेश्चन आता कि लाइन से क्वेश्चन आ रहा है फिजिक्स के, तो मैं जैसे बायो लाइन बाई लाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, 15-16 साल हो गए, भरोसा रखो, ठीक है, आपका नुकसान नहीं होगा। स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना लूँ, क्योंकि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की कितनी चेन होती है, दो। चलो पहला स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहले राइबोस या डीऑक्सीराइबोस। अब बेटा मैं सारे नाटक नहीं बनाऊंगा इसमें, यहाँ क्या बनाऊँ मैं, प्यूरिन बनाऊँ या पैरिमिडीन, जो तुम कहो जल्दी। प्यूरिन बनाया तो बेटा एक दो, ठीक, इससे जुड़ गए ये तीन कार्बन, ये दो कार्बन, प्यूरिन बना लिए, ठीक। यहां पे सही है, फास्फेट लगा, न्यूक्लियोटाइड हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा आपने पढ़ा था ऑक्सीजन, फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन, फिर सेम सब कुछ ना, यहाँ पे प्यूरिन बनाओ या पैरिमिडीन, पैरिमिडीन बना दिया, जो कह दो भाई कोई दिक्कत नहीं है, पैरिमिडीन ही बनाते हैं, ठीक है, पैरिमिडीन लग गया। यहाँ पे फिर ओ पी, क्लियर हो गया बेटा ना, पांच बाण बनाता है। फिर यहाँ पे ये कौन सा प्राइम है, थ्री प्राइम, क्योंकि इसको नंबर दे चुके हैं, ये कौन सा प्राइम है, फाइव। ये चेन क्या 5' to 3', जहाँ एंड होगा वहाँ पे कौन सा प्राइम आएगा बेटा कार्बन का, 3' आएगा। अब देखो ये बैकबोन की तरह बिहेव कर रही है, यही तो स्केलेटन बना रही है। तो हमने बताया था बैकबोन कौन बनाते हैं, शुगर एंड फॉस्फेट, क्लियर हो गई इतनी बात। अब दूसरी आपको क्या बनानी है बेटा, अब यदि यहाँ पे इसको ऐसे बना दिए तो ये बेस इधर हो जाएगा, बेस यदि इधर हो गया तो क्या बेस टू बेस हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ पाएंगे, नहीं। तो बेटा अब ये कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा, वो नीचे रहेगा। अब ये कौन सा कार्बन हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया बेटा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हो गया। अब यहां पे जो लगेगा वो प्यूरिन लगेगा या पायरिमिडीन, पायरिमिडीन, और यहां से क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर हुआ। अब यदि मैं इधर देखूं, यहां पे बेटा OH, OH, H, H, इसके आउटर साइड में देखो ये कौन सा प्राइम है, 3' है। फोर्थ पे क्या लगा हुआ है बेटा, फोर्थ पे आपका लगा हुआ है CH2O। हाँ बेटा, अच्छा DNA है ना, सॉरी, ठीक, थर्ड वाले पे तो H ही रहता है,
थ्री प्राइम हो गया वो कार्बन का। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा है, फोर, फोर से लगा हुआ ये फिफ्थ कार्बन है। अब फिफ्थ कार्बन से जुड़ा है ऑक्सीजन, अब एक और बनाओ, इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा, फास्फोरस, फास्फोरस से कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा फिर, ये कार्बन, कौन वाला बेटा, सेम यही फिर बनेगा, कौन सा बनेगा, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब कैसे बनेगा, ऐसे बना, ज्यादा पास हो गया, यहां से मतलब ऐसे जुड़ जाएगा, ये कौन सा है बेटा, यहां पे क्या है, बाहर निकलता है कि अंदर, बाहर, बाहर, अंदर, बाहर, अब यहां पे कौन है, OH है, OH है, ये थ्री वाले से जुड़ा, पांच वाला किससे जुड़ता जाएगा, थ्री वाले से, और यहां पे क्या बन गया दूसरा, पायरिमिडीन, यहाँ पे क्या हो गया गया दूसरा, प्यूरिन, ये जुड़ गया इसे। अब देखो जो ये इंड इसका फ्री होगा वो कौन सा इंड फ्री होगा बेटा, फाइव कार्बन वाला, फाइव प्राइम वाला, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, थ्री प्राइम, और यहाँ पे कौन सा इंड होगा, यदि नीचे आएगा तो यहाँ पे कौन बनेगा, फाइव प्राइम भी। अब इसका जो फिफ्थ वाला होता है वो थर्ड वाला फिफ्थ वाले से जुड़ता है, तो इसका फिफ्थ वाला किससे जुड़ा है, थर्ड से, फिर फिफ्थ वाला किससे जुड़ेगा, थर्ड से, फ्री कौन होगा, फिफ्थ एंड, ठीक है, तो ये पैरेलल हो गया और ये एंटी पैरेलल। तो जो दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। एक यदि फाइव प्राइम वाला होगा दूसरा कौन सा होता है, थ्री प्राइम वाला, क्लियर हो गया। अब यदि हम सारे बॉन्ड का फॉर्मेशन देखें, बताते जाना, शुगर प्लस बेस क्या बनाता है, ये शुगर प्लस बेस मिलके क्या बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस शुगर एंड बेस एसोसिएट, किससे एसोसिएट होते हैं शुगर और बेस, हाँ, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एसोसिएट मतलब जुड़ किससे रहे बेटा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। तीसरा पॉइंट बेटा अगला आ जाएगा, शुगर प्लस बेस प्लस फास्फेट या फिर फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड कह दे या फिर फास्फेट कह दे बेटा, कोई अंतर नहीं है क्योंकि आयन के फॉर्म में हो जाएगा बस, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो शुगर और बेस तो बेटा एसोसिएट होंगे किससे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, लेकिन शुगर और फास्फेट किससे बनेंगे, शुगर एंड फास्फेट या फास्फोरिक एसिड कह देगा, किससे एसोसिएट होंगे, एसोसिएट विथ ईस्टर कह दे या फास्फो, फास्फो डाइस्टर, चलो अच्छा कह दिया, फास्फो ईस्टर बॉन्ड, बेटा डाइस्टर अभी नहीं आया है, ठीक है। अब पॉली न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा हूं मैं, अब यहां पे तुमको सारे स्ट्रक्चर क्लियर होंगे। पॉली न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड में बैकबोन कौन बनाएगा,
बैकबोन, शुगर एंड फॉस्फेट। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एसोसिएटेड, वन चेन एसोसिएटेड विद वन चेन टू अदर चेन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, या कह दे नाइट्रोजिनस बेस। टू नाइट्रोजिनस बेस किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। बहुत आते हैं इस पे क्वेश्चन बेटा। अगला पॉइंट बेटा, अब यदि कह दे शुगर टू शुगर या न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड एसोसिएट विथ, सेम क्वेश्चन है बेटा, शुगर टू शुगर और न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड, ये किससे एसोसिएट होते हैं? फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड से। अच्छा अच्छा ये बताओ, तीन शुगर हैं तो कितने डाईस्टर बॉन्ड बने हैं? दो। तो नंबर ऑफ डाईस्टर बॉन्ड इन वन चेन, दोनों चेन में नहीं बता रहा हूं केवल एक चेन में, नंबर ऑफ शुगर और न्यूक्लियोटाइड माइनस। क्लियर हो गए सारे बात ना, सारी चीजें तो हो गई, कुछ बचा बॉन्ड? शुगर एंड शुगर पता हमें, शुगर एंड बेस पता हमें, और शुगर एंड फॉस्फेट पता, बेस टू बेस पता, बैकबोन पता। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई ऐसा नहीं है जिस पे आपको पिछले वाले साल में क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, बनाओ। अब समझ में आ गया ये एंटी पैरेलल क्यों होते हैं? एसोसिएशन के लिए बेटा। बनाओ, एक दो क्वेश्चन करा देते हैं फिर इसको एनसीईआरटी से कवर अप कराते हैं। सेल डिवीजन खत्म होगा बेटा, मैं पढ़ाऊंगा आपको ट्रांसपोर्ट इन अ प्लांट, ठीक है, ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस पढ़ा दूंगा, लेकिन एनसीईआरटी से नहीं कराऊंगा। मैं आपको सारे पॉइंट जैसे एक्सप्लेन करता हूँ कर दूंगा, एनसीईआरटी रीडिंग आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि डिलीट हो चुका है, आएगा कि नहीं आएगा 50-50 अभी है, तो पढ़ लेना। बोले सर आने वाला होगा तो सिलेबस में, एनसीईआरटी से करा दूंगा, नहीं आने वाला होगा तो कह दूंगा सर सम्मान छोड़ देना। अब अगले वीक में मैं किसी दिन भी बायोलॉजी पीछे का कुछ भी पूछ सकता हूँ। तो इसका का मतलब है फिर जब इम्पोर्टेंट चैप्टर में पूछूंगा तो सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, मतलब सेल और बायोमोलिक्यूल से, सेल तो हो जाएगा, सेल डिवीजन मतलब सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। बीच में पूछने के लिए बेटा टाइम निकालना पड़ेगा ना।
हो गया बेटा। हो गया, जल्दी करो। जल्दी बनाओ बेटा।
बैलेंस खुद फटाफट करके बनाओ बेटा, कि अब उसको भी देख देख के छाप रहा कि यहाँ पे क्या हो, ऐसे लगेगा ऑक्सीजन है, उसका पता है कि बैलेंस ही कितनी है, 5 है तो फास्फोरस 5 बांड बनाएगा, ये सब फटाफट बताइए। हो गया, क्वेश्चन लिखो। और डीएनए लेंथ इज, डीएनए लेंथ इज 68 नैनोमीटर एंड परसेंटेज ऑफ ग्वानिन इज 20, देन फाइंड, पहला पार्ट लिखो, परसेंटेज ऑफ एडिनिन, थायमिन एंड साइटोसिन, ए टी सी, सीधे लिख दो। सेकंड, दूसरा आपको पॉइंट करना है, फाइंड नंबर ऑफ फास्फोडाईस्टर बॉन्ड। थर्ड, नंबर ऑफ फास्फोईस्टर बॉन्ड। फोर्थ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो निकालो। अच्छा, जितने बेसेस होंगे उतने ही न्यूक्लियोटाइड होंगे, क्लियर सी बात है। जितने बेस होंगे उतने ही क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड। चलो कैलकुलेट करो फटाफट सब। अब इसमें आगे तुम्हारा स्ट्रक्चर ही बन रहा है, क्वेश्चन कब सॉल्व होगा। कैसे नहीं बन रहा है डा, हद कर दिया है तुमने। तुमको पता है पहले वाले कार्बन से कौन जुड़ता है जाके, कौन जुड़ता है, प्यूरीन, प्यूरीन या पायरिमिडीन, उसको इधर मांड बनाना, ये एक हो गया तो ये कितना होगा, और यहाँ पे जो लगा होगा CH2OH वो पांचवा हो गया। इसमें कौन सा नंबरिंग करते नहीं बन रहा है, उसको जल्दी बना के क्वेश्चन करो बेटा, क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन एक बार छापना शुरू हो गया तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, कम आते हैं क्वेश्चन, फिर आप देखते रहोगे। बस बन गया स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया, 1-3 वो डिटेल में बता दिया जाएगा आपको, उसमें आपके समझ में आ गया कि एंटी पैरेलल हो गया, एक 5 प्राइम से दूसरा 3 प्राइम से। तो अब क्वेश्चन करना शुरू करो, छोड़ दो स्ट्रक्चर, बाद में बना लेना।
तो क्वेश्चन दिया बेटा, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। कितना बेस पेयर का है, कितने परसेंट निकला एडिनिन? 30, थायमिन 30, और साइटोसिन 20। अच्छा, टोटल कितने बेस पेयर हैं इतने लेंथ में? 200। वेरी गुड। सब अच्छा बताओ, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं? गलत हो गया ना बेटा, वहां गलत हो गया। चलो अच्छा बताते हैं, एकाक दो पार्ट तो सब लोग निकाल लिए होंगे। अच्छा ये बताओ, किसको परसेंटेज ऑफ साइटोसिन थायमिन ये नहीं आया? सही बताना ईमानदारी से, नहीं आया। अभी ये बताओ, कितने परसेंट दिया हुआ है ग्वानिन का? ग्वानिन के कितने परसेंट है? 20% ग्वानिन है, तो 20% क्या हो जाएगा? साइटोसिन, क्योंकि जितना ग्वानिन होता है उतना क्या होता है? साइटोसिन। 40% हो गया, बचा कितना? 60%। जितना एडिनिन होता है उतना ही क्या होता है? थायमिन। अब 60% में दोनों हैं, तो दोनों कितने हो गए? अब भैया आ गया क्लियर? 30% ये, 30% ये, कितना आ गया सबका? सेकेंड पार्ट आया। अच्छा एक और पढ़ा लो, लिखो, मतलब फोर्थ पार्ट लिखो, नंबर ऑफ बेस पेयर। अब जो भी पार्ट हो गया, नंबर ऑफ बेस पेयर। अच्छा वन बेस पेयर की लेंथ कितनी है बेटा? 0.34 नैनोमीटर। तो टोटल कितने बेस पेयर होंगे 68 नैनोमीटर में? क्या करते हो, वन से भाग दे देते हो नंबर ऑफ बेस पेयर के लिए, कितना हो जाएगा? 0.34। अच्छा ऊपर 100 नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 68 इंटू 100 अपान 0.34 इंटू 100, कितना हो जाएगा बेटा? 68 इंटू 100, ये सिंपली आता है आपको 200 बेस पेयर। क्लियर है? 200 बेस पेयर इसका है बेटा, तो इसका अच्छा बताओ 100 में जीसी कितना है? 20 20, और 80 कितना है? 30 30। ठीक, 100 में 20 20 30 30, तो 200 बेस पेयर में कितने हो जाएंगे? 200 बेस पेयर में कितने हो जाएंगे बेटा ये? 40, 40, 40, 40, 40, 40. अच्छा जी बी 40, सी बी 40 और ए जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 60, 60. पांचवा पोर्शन और लिख लो बेटा, नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। टू हंड्रेड बेस पेयर है ना,
तो नंबर ऑफ बेस कितने हो जाएंगे? ये इंपॉर्टेंट बात हुई। 100 में 20 20 हैं तो 400 में कितने हो जाएंगे बेटा? जी कितना हो जाएगा? जी और सी। 100 में 20 तो 400 में 80 और ये 120। अच्छा एक है तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं? एक है तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं? यदि ये जी सी एक है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक जी है एक सी है। अब 80 जी है 80 सी है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 80। और बेटा एक है, एक पेयर है तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे? दो। अब 120 पेयर है तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे बेटा? 40। टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए? 480। क्या ये भी सही आया था? और तीसरा क्या पूछा था बेटा? नंबर ऑफ लास्ट वाला क्या था? नंबर ऑफ ग्लाइकोसिड। जितने नाइट्रोजिनस बेस होंगे क्या उतने ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा? तो नाइट्रोजिनस बेस कितने हैं? 400। तो कितने कितने एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा? 400। इतने समझ में नहीं आया तो बताओ कुछ। नंबर ऑफ बेस पेयर निकला है ना, ये पेयर में कितने बेस होते हैं? दो। इसलिए मैं नंबर ऑफ बेस से निकाल दिया, पेयर से भी निकाल सकते हो। अब यदि पेयर होंगे बेटा तो कितने पेयर होंगे इसके? 200 में 200 बेस पेयर में इसके कितने पेयर होंगे? 80 बेस पेयर होंगे। अब अलग अलग निकालोगे तो 160। यदि 400 बेस की बात करूंगा तो 160 होंगे ये, यदि बेस पेयर की बात करूंगा तो 80 और ये 120। वहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग निकल जाएंगे, लेकिन मैं पूरा आपको बता दे रहा हूँ टोटल कितने बेस हो गए? 400 टोटल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब बचा क्या? इतना नोट करो, इसके बाद बताते हैं ईस्टर और डाई ईस्टर बॉन्ड। जितने बेस होंगे क्या उतने न्यूक्लियोटाइड होंगे? अच्छा हाँ, उतने न्यूक्लियोटाइड होंगे जितने बेस होंगे। तो एक बेस जब तक नहीं होगा तब तक कहाँ न्यूक्लियोटाइड बनेगा? समझ में आ गया कहाँ गलती हुआ था ईस्टर डाईस्टर में? 399 आ रहा है, 398। एक चेन का निकाला जाता है, फिर एक चेन का निकाला जाता है, फिर दोनों को ऐड किया जाता है। सर इसमें भी फिजिक्स पढ़ा रहे नहीं बेटा, न्यूमेरिकल आता है इसलिए बता रहे हैं। दे देगा 102 नैनोमीटर लेंथ है, कितने बेस पेयर होंगे? 300। 0.34 से आप हमेशा डिवाइड करोगे। लेंथ ये दिया है तो उससे हम क्या निकालेंगे? पहले बेस पेयर। यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ, वहाँ भी कराऊंगा बेटा। और ये गलती जो यहाँ कर रहे हो वहाँ मत करना फिर।
कितने एस्टर बॉन्ड आ रहे हैं? कल संडे है, कल क्लास है मॉडर्न फिजिक्स की। कल एक्सरे खत्म हो जाएगा, कैथोड एनोड रे भी खत्म हो जाएगा। दो केमिस्ट्री तो नहीं अनाउंस हुआ है ना? तो मेरी तो 10 से 2 फिक्स है। हो गया बेटा, चलो अब पूछा क्या है। अच्छा ये बताओ टोटल कितने बेस थे? 400। कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? 400। इसका मतलब 200 न्यूक्लियोटाइड यहाँ होंगे और 200 न्यूक्लियोटाइड यहाँ होंगे। दो चेन बनेगा, एक ये बनेगा। इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड? 200। इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड? 200। ठीक। अच्छा इस चेन में कितने फास्फोडाइस्टर बांड होंगे? जितना नाइट्रोजिनस बेस या जितना न्यूक्लियोटाइड उससे एक कम बनता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हो गए बेटा? 199। इस चेन में कितने होंगे? 199। टोटल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड 398। ये क्या बन गए आपके? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। बोलो बन गए। अच्छा एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड में कितने एस्टर बॉन्ड होते हैं? 2। तो नंबर ऑफ एस्टर बॉन्ड टोटल कितने हो जाएंगे? 396। कितने हो जाएंगे? 796। टोटल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं? 398। एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड में कितने एस्टर बॉन्ड होते हैं? 2। एक दो। ये बताया गया है डाइस्टर मतलब 2 एस्टर। तो एस्टर बॉन्ड कितने हो गए एक फास्फोडाइस्टर में? 2। नंबर ऑफ एस्टर बॉन्ड कितने हो जाते हैं? नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, देखो बेटा एस्टर बॉन्ड इज फास्फोडाइस्टर इंटू 2 आ गया। सिंपल। ठीक, ये आपका पोर्शन खत्म हो गया बेटा न्यूक्लिक एसिड का। फटाफट एनसीईआरटी निकालिए, कराएं इसको एनसीईआरटी से। अब इतना यदि आपने समझ लिया है तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है न्यूक्लिक। अब बताओ कौन सा सेलुलर जेनेटिक मटेरियल होता है? डीएनए। कहेंगे जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? दोनों। वायरस में कौन सा पाया जाता है? डीएनए या फिर आरआरएनए, एंड नहीं, या डीएनए मिलेगा या तो आरएनए मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे।
तो वायरस में बेटा डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड, डीएनए डबल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, आरएनए डबल स्टैंडर्ड, हर टाइप का होता है। लेकिन सेलुलर जो होता है डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है हमेशा हमेशा सेल के अंदर। यहाँ तक कि माइटोकांडिया के अंदर में आपने पढ़ा है कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर सिंगल डीएनए, अच्छा ये एसिड सॉल्युबल होता है कि इनसॉल्युबल, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए एसिड सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल, क्या मैं पूछ रहा हूँ एसिड सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल, मैंने बताया था मुझे उससे मतलब नहीं है एसिड है क्या नहीं है। डीएनए जो होता है वो एसिड सॉल्युबल पूल में है या इनसॉल्युबल, हाँ अरे एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल ए आई एस ए एस ये क्या होता है बताओ क्या होता है ये, इनसॉल्युबल। अरे सीधे सीधे बेटा ये पॉलीमर है, पॉलीमर इज इनसॉल्युबल, ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। सभी पॉलीमर जो हैं वो कैसे हैं, प्रोटीन हो कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोहाइड्रेट में अब ग्लूकोज उकोज है तो सॉल्युबल होगा मोनोमर, अब इसी में कहते हैं न्यूक्लियोटाइड तो सॉल्युबल है क्योंकि मोनोमर है ये पहले क्लास में बताया गया था बेटा। अमीनो एसिड कहेगा तो सॉल्युबल है लेकिन प्रोटीन कहेगा तो इनसॉल्युबल है। फैट जो होता है बेटा मोनोमेरिक होता है लेकिन बहुत गेंट होते हैं और एग्रीगेट करके रहते हैं, इस कारण इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। क्योंकि फैट का एक फैट का लेके मॉलिक्यूलर वेट देखते हो तो 800 डाल्टन से कम ही आता है लेकिन फिर भी वो इनसॉल्युबल होता है क्योंकि एग्रीगेट होते हैं। क्लियर हो गया ये, चलो निकालो एनसीईआरटी फटाफट। न्यूक्लिक एसिड देखें बेटा, दो टर्न लग गया इसको बताने में, छोटा सा टॉपिक। अब इसमें आप पढ़ेंगे, अच्छा बताओ आपसे पूछे डीएनए और आरएनए का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, केवल न्यूक्लियोटाइड कह दिया काम खत्म, न्यूक्लियोटाइड कह दिया काम खत्म। शुगर फॉस्फेट हम क्यों कहें, बेस शुगर फॉस्फेट मिलके क्या बनाते हैं, तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, इसे बताया होगा बेटा, लिखवाया होगा, हमेशा आप यही गलती करेंगे। मोनोमर के बारे में बताओ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड ब्रैकेट डीएनए एंड आरएनए में कौन होगा, न्यूक्लियोटाइड। अब बेटा आपसे प्रोटीन का पूछेगा तो आप अमीनो एसिड कहोगे, ये थोड़ी कहोगे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा NH2 होगा R होगा, नहीं उसके एक मोनोमर को बताना पड़ता है। अब हीट में थोड़ी कहोगे पानी पड़ा होगा, ठीक है मिट्टी होगी, सांचे में ढाला होगा, गर्म किया होगा, ब्लॉक बनाया होगा, नहीं सीधे सीधे बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग का क्या होता है ईंटें होती हैं, ठीक है। ईंटे को ईंटा को कानपुर में पता है, ईंटा ईंटे तो जानते हो ना, ईंट कानपुर में बताया, ईंटा को क्या बोलते हैं, ईंटा गुम्मा, ठीक है। जैसे सीढ़ी है वहाँ सीढ़ी नहीं बोलते हैं, जीना, जीना। जीने से जा रहे थे फिसल के गिर गए, पहले मैं शुरू शुरू में जब स्टार्ट में गया था बनारस से तो बोले जीने से गिर गए, हमको जीने से गिर गए मतलब निकल लिए क्या तो मैंने कहा क्या हुआ तो बोले हाथ टूट गया, तो मैंने सोचा जीना क्या होता है, तो पूछा तो होता है कि, फिर जब एक साल वहाँ पे रहा, दूसरे साल में तो सब एकदम कानपुर वाला सीधे सीधे लैंग्वेज, बहुत 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 फनी लैंग्वेज है। सुना है एक सीरियल आता है भाभी जी घर पे हैं, शुद्ध कानपुर वाला है वो बताता है, ठीक है बिल्कुल जो जैसे बोलचाल वाली भाषा होती ना सेम वैसे ही होता है, ठीक। चलो देखो न्यूक्लिक एसिड जगरगड्डी बस स्टैंड जो बात करता है बेटा उसी से हम लोग आते जाते थे, ठीक है।
आगे लखनऊ बहुत नज़दीक है वहाँ, और वहाँ से लखनऊ आप चले जाइए, इतनी प्यारी लैंग्वेज है ना, मतलब जो एक्चुअल में लखनऊ वाले हैं, जो बाहर से गए हैं वो तो कुछ भी बोल दें, जो लखनऊ वाले बोलते हैं एक्चुअल में ना, वो लगेगा कि नवाब नहीं बेटा, तहजीब जिसको कहते हैं, लगेगा कि इतनी तहजीब, जैसे आप जा रहे हैं और आप छोटे हैं और आपसे बड़ा व्यक्ति आपको बुलाएगा तो ये नहीं कहेगा ए सुनो, कहेंगे जनाब सुनिए, मतलब इतना अच्छा लगता है यार क्या। और इतनी अच्छी सफाई, उतना ही अच्छा वहाँ पे स्कूलिंग और पढ़ाई, मतलब बहुत अच्छा। मतलब मुझे यदि पर्सनल कहा जाए कि आप पूरे भारत में किस सिटी में रहना पसंद करेंगे, सिटी की बात कर रहा हूँ, किस सिटी में रहना पसंद करेंगे, तो फर्स्ट बनारस, क्योंकि वो बेटा होम सिटी है, वहाँ से ज़्यादा। सेकेंड यदि मुझे ऑप्शन कोई है तो लखनऊ, दिल्ली विल्ली बंगलोर अमलोर, बेटा लखनऊ पहला बहुत अच्छा तहजीब, दूसरा बहुत लजीज खाना, खाने की इतनी वैरायटी मिलती है बेटा ना, तुम किसी में तुम वेज खाना चाहते हो तुम्हें 100 वैरायटी मिलेगी। एक मोती महल है वहाँ पे चले गए और वेज खाने इतने सुंदर, नॉन वेज की तो बात ही मत करो यार, क्योंकि वाजिद अली शाह वहीं के थे, ठीक है। अब भाई आज भी लखनऊी कबाब वर्ल्ड फेमस है, नॉन वेज भी खाने में टुंडे कबाब विदेशों में जाता है, तो बेटा है तहजीब भी उतनी अच्छी, बोल चाल की लैंग्वेज वहाँ, यदि आप आपकी लैंग्वेज ख़राब है ना और आप 6 महीने वहाँ के लोकल लोग जो हैं उनके साथ रह लिए, वहाँ के लोकल मतलब बाशिंदे पहले वाले, तो आपका बोलने का तरीका पहले ही बदल जाएगा। मैं कानपुर से गया था तो बड़ा ख़राब, मतलब थोड़ा सा कानपुर वाला बड़ा रफ टफ वाला भाषा है, अबे तबे वाला, ठीक है। लखनऊ में गया और कानपुर और लखनऊ में मैक्सिमम 70 किलोमीटर का डिफरेंस है, केवल 70 किलोमीटर, और लैंग्वेज का इतना बड़ा चेंज है। और यदि शाम सुबह यदि कहीं की सबसे खूबसूरत होती है पूरे भारत में बताते हैं तो बनारस की सुबह है अवध, ठीक है। और शाम यदि कहीं सबसे खूबसूरत होती है बेटा तो लखनऊ की शाम कहते हैं। कभी हजरतगंज आप घूमने जाइएगा, जैसे यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ, वैसे लखनऊ की यदि राजधानी कोई है ना, कि लखनऊ की राजधानी क्या है, हर्ट ऑफ लखनऊ हजरतगंज, ठीक है, वहाँ जाइएगा। जाएंगे KGMC जाएंगे तब तो आप लखनऊ ही रहेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप KGMC मेडिकल कॉलेज में पढ़ें, क्योंकि बेटा इंडिया के टॉप 5 में है वो, किंग जॉर्ज मेडिकल KGMC, KGMU हो गया अब, कॉलेज से अब यूनिवर्सिटी हो गया वो, ठीक है। कौन कौन सा, दिल्ली एम्स और भोपाल एम्स, बेटा भोपाल एम्स लेने से ज़्यादा अच्छा है आप KGMC लें, दिल्ली एम्स तो सुपर है नो डाउट, ठीक है। भोपाल एम्स, ये एम्स यदि लेना है तो एम्स में यदि आपको दिल्ली नहीं मिल रहा है तो दूसरे एम्स को प्रीफर करने से ज़्यादा अच्छा है आप KGMC ले लें, BHU ले लें, या फिर जिपमर ले लें, ठीक है, ये सब कॉलेज ले लें। खैर वहाँ तक रैंक आएगी तो बताया जाएगा। हाँ बहुत अच्छे कॉलेज है ना बेटा बहुत पुराने, बहुत अच्छे, KGMC बेस्ट, KGMC नहीं तो BHU बेस्ट, ये दोनों। यदि आपको बनारस अच्छा दिखना है तो BHU ले लीजिए, आपको लखनऊ देखना है तो KGMC, लेकिन ये दोनों लेने के लिए आपके मार्क 670 के आसपास आने चाहिए, दोनों के लिए, नहीं एम्स के लिए 680 नियर अबाउट, 660 के नीचे हो गया तो बेटा KGMC आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूपी वालों को मिलना फिर भी 650 तक ठीक मिल सकता है, क्योंकि उनको स्टेट कोटा से भी मिल जाएगा, आपको स्टेट कोटा नहीं, लेकिन फिर यूपी से डालना ही मत, यूपी बहुत टफ हो जाएगा बेटा, क्योंकि 600 के अंदर उनका क्लोज हो जाता है। MP में नियर अबाउट 5 स्टेट का जनरल का 540 के अराउंड स्टेट, हाँ 540 MP में 520 प्लस, यहाँ का जनरल 480-490 CG, ठीक। चलो बेटा आप BSC का तो मैंने देखा नहीं, मैं जनरल की बात करता हूँ, आप हमेशा फाइट जनरल के लिए करो, कैटेगरी आपकी कुछ भी हो, जनरल की फाइट करेंगे आप कहीं भी निकल जाएंगे,
एससी के फाइट में ही यही दिक्कत होती है कि वो सोचते रहते हैं 100 क्वेश्चन में वो फिजिक्स को निकाल ही देते हैं, वो बायोलॉजी जोड़ लेते हैं 80, ठीक है, और केमिस्ट्री जोड़ लेते हैं 20। या बहुत बहुत इतना बड़ा लॉस होता है ना, फिर इतना बड़ा लॉस होता है जिसको कंपनसेट नहीं कर पाते हैं। मैं कहता हूँ हमेशा मार्क को बांटो, यदि आपको लग रहा है कि हमें 100 लेके आना है ना, तो 60 बायोलॉजी, ठीक है, 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, उतना मेहनत करो। उतना मेहनत करोगे तो बेटा बायोलॉजी में तुम्हारे 70 चले जाएंगे और केमिस्ट्री में भी 25 आ जाएगा और फिजिक्स में 25 आ जाएगा, आपकी रैंक बन जाएगी। लेकिन जब आप एक सब्जेक्ट को सोचते हैं बिल्कुल छोड़ देंगे, करेंगे ही नहीं, आप बहुत ज़्यादा डल हो जाते हो वहीं पे, क्योंकि उस सब्जेक्ट के कम से कम 15 क्वेश्चन इतने ईजी होंगे, सुपर ईजी, जो आप निकाल सकते हो। लेकिन ये शुरू से ही निगलेक्ट कर दोगे तो फिर वो 15 क्वेश्चन बायोलॉजी में एक्स्ट्रा सही करना, जैसे आप 70 क्वेश्चन तक जा रहे हो, ठीक है, तो आपसे 71-72 तक एक्सपेक्टेशन होता है, लेकिन अब 15 बढ़ा दिया या 85, तो 85 में अब तुम्हें पूरी बायोलॉजी याद होनी चाहिए। इसलिए कभी भी चाहे जो कैटेगरी हो बेटा, आप हमेशा टारगेट जनरल रैंक को करें। जनरल रैंक करोगे आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। मैं कहता हूँ यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आप मान के चले कि हम यूपी स्टेट के हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हमें 600 मार्क्स से कम नहीं लाना है, इससे कम आएगा तो मेरा सिलेक्शन रुक सकता है, आपका सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं कि नहीं हो। यूपी वाले क्यों ऑल इंडिया रैंक, सब मैक्सिमम ऑल इंडिया रैंक कौन उठाता है, यूपी, बिहार, दिल्ली, ये 3 स्टेट मैक्सिमम ऑल इंडिया रैंक उठाते हैं, किसी को घुसने ही नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पता लगा 698, 720, 715, 712। अब वो ऑल इंडिया रैंक जब ले लेंगे तो तुम्हें ऑल इंडिया मिलेगा कहाँ से? अब ऑल इंडिया रैंक की कट ऑफ ही जा रही है 625, उन्होंने स्टेट से उठाएंगे ही नहीं। अब वो इतने दिमागदार होते हैं कि स्टेट से क्यों नहीं उठाते हैं, ये बता दूँ, स्टेट से उनको अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा लेकिन ऑल इंडिया रैंक से वो पीछे वाला कॉलेज उठा लेते हैं, क्योंकि उनके स्टेट वाला बंदा अपनी स्टेट रैंक से अपनी कॉलेज फिल करे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे स्टेट में तो सीट कम है यूपी में, ठीक है, दूसरे नंबर आप स्टूडेंट जाते हैं तो कुछ तो कम हो। बहुत तेज़ दिमाग के होते हैं बेटा, ठीक है। जैसे कि ऑल इंडिया रैंक 625 में तुम्हें मिल रहा है कौन सा कॉलेज, मान लो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, और इसको तुम स्टेट से उठा रहे हो तो तुम्हें जीएसवीएम मिल रहा है या फिर केजीएमसी मिल रहा है। ये तुम स्टेट कोटा से उठा लोगे तो तुम्हारे एक स्टेट की सीट कट गई, जो तुम्हारे स्टेट का बंदा लेगा कि दूसरा लेगा, दूसरा कोई लेगा, ये स्टेट वाला ही तो लेगा, उसकी एक सीट कट गई। लेकिन तुम ऑल इंडिया से यदि एक सीट उठाते हो तो एक सीट बच गई, वो तुम्हारा स्टेट वाला उठा लेगा ना, और तुमने ऑल इंडिया से दूसरे स्टेट के एक बच्चे का रैंक ले लिया। ऑल इंडिया से तुमने सीट लिया तो दूसरे स्टेट वाले बंदे की एक सीट ली और अपना एक छोड़ा तो अपने स्टेट वाले को छोड़ा, ये करते हैं। गलत नहीं है? गलत क्यों है भाई, गलत क्यों है? वो रैंकर है, यदि वो छोड़ेगा तो तुम्हें मिलना चाहिए। अब सब्जी रखी है आलू की और दूसरी गुलाब जामुन, लेकिन गुलाब जामुन पे अधिकार ये है कि उसी के परिवार को मिल सकता है, ठीक है, आलू पे सबका अधिकार है लेकिन आलू लेने के लिए वो पहले लाइन में है तो वो आलू ले लेगा, नहीं खाएगा गुलाब जामुन, तुम खा लो, ऐसा होता है बेटा। और वहाँ की कोचिंगों में टीचर बता देता है कि बेटा ऐसा करना कि तुम्हारी ऐसी रैंक आती है, तो वो टीचर की बात मानते हैं। 99% नहीं, 100% बच्चे ऐसा करते हैं, यूपी और बिहार वाले, बेटा वो आपके साथ कोई रहम नहीं करते हैं, ठीक है। अब तुम्हें यदि लड़ना है तो उनके ऑल इंडिया से लड़ो, लेके आओ 675, 670, तुम भी ऑल इंडिया से उठाओगे, हम भी ऑल इंडिया से उठाएंगे। अब ये तुमने ऑल इंडिया सीट नहीं उठाया, तुमने रायपुर स्टेट से उठा लिया, तो तुम्हारे स्टेट वाले की एक सीट तो चली गई ना, जो तुम छोड़ते जो लास्ट रैंकर होता उसको सीट मिल सकती थी, रायपुर नहीं मिलती, अंबिकापुर वाली मिल जाती, रायपुर ऊपर वाले उठा लेते हैं, लेकिन एक सीट का नुकसान किया ना तुम, स्टेट रैंक उठा करके। इंडिया उठाए होते तुम्हारे स्टेट के एक बंदे को फ़ायदा होता ना, तुम्हारी एक सीट खाली होती ना। अब तुमने अपना सीट स्टेट से ही भर लिया तो उसको क्या फ़ायदा मिला दूसरे बंदे को? तो इसीलिए ऑल इंडिया टफ वो बना देते हैं, ठीक है, कि वो सारे बच्चे पहले जो टॉप रैंकर होते हैं
साढ़े छः सौ के ऊपर आसपास, 625 के आसपास, वो अपनी स्टेट की सीट को छूते ही नहीं है। अब उनको ऑल इंडिया से मान लो मोतीलाल नेहरू मिल रहा है इलाहाबाद, तो स्टेट से जाहिर सी बात है बहुत अच्छी सीट मिलेगी उनको, स्टेट से उनको केजीएमसी मिल सकता है, लेकिन वो एमएनआर लेके खुश रहेंगे। और बता, और बेटा जो ऑल इंडिया जैसे एमएनआर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में है, तो दो ग्रुप के बच्चे होंगे ना, एक ऑल इंडिया वाले होंगे, ऑल इंडिया वाले, और एक स्टेट वाले। जो ऑल इंडिया रैंकर होता है उसकी स्टेट वाले बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए इज्जत करते हैं कि वो जानते हैं कि ऑल इंडिया रैंकर है, ये केजीएमसी उठा लेता तो हो सकता है मेरी सीट चली जाती, मुझे मोतीलाल नेहरू भी नहीं मिलता। तो बेटा स्टेट रैंकर को हमेशा पूरे पाँच साल थैंक्स बोलते रहते हैं, बैच के बच्चे उसके किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। अरे यार भाई तू पढ़, मैं सब्जी तेरी बना रहा, तू पढ़ मैं ला रहा, इतना रिस्पेक्ट करते हैं। और ये बताता है टीचर कि बेटा तुम जाओगे तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। कॉलेज चेंज हुआ, एमबीबीएस डिग्री थोड़ी चेंज होगी, पीजी कर लेना अच्छे से, यूजी में अपने दोस्तों को घुस जाने दो, होता है बेटा ये। इसीलिए कह रहा हूँ मेहनत करते रहना, जब आप मेहनत करने के साथ कुछ करते हो ना, उसके साथ उसकी मेहनत भी है त्याग भी है, यही दो चीज़ आदमी को बहुत बड़ा बना देती है, यही यहाँ से लाइफ की शुरुआत होती है जर्नी, ठीक है, जब अपनी सीट कोई दूसरे को देता है। चलो यार हम दूसरी कोई बात नहीं, हम ऑल इंडिया से उठा ले रहे हैं, तुम ले लो स्टेट से, ऐसा होता है बेटा। इसी कारण ऑल इंडिया सीट कुछ स्टेट को मिलना बहुत टफ हो जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल को, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बच्चों को, छत्तीसगढ़ में रेयरली दो चार सीट ऑल इंडिया उठा लिए तो उठा लिए, लगभग 3,500 खा जाते हैं यूपी वाले ही, 500 के आसपास, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे यहाँ अब तुम्हारे यहाँ 2,000 सीटें के आसपास मेडिकल कॉलेज में हैं। बच्चे देते हैं कितना, लगभग 50-60 हज़ार एग्जाम देते हैं, तो मान लो कि 30 बच्चे पे एक का सिलेक्शन होता है, वहाँ पे पता लगा कि 6 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और टोटल 3,000 ही सीट है, वहाँ 200 बच्चों पे एक सीट है, तो वहाँ टफ हो गया ना, तो सोचते हैं जितना ऑल इंडिया से मिल जाए पहले वो कवर कर लें, ठीक। चलिए पढ़िए, इसीलिए कह रहा हूँ कि खूब मेहनत करिए, ऑल इंडिया फाइट करिए ना, ऑल इंडिया आपने फाइट किया तो स्टेट का टॉप मिलेगा आपको, इसलिए आप ऑल इंडिया फाइटर में आइए। आप मान के चलिए कि 600+, फिर देखिए अपने आप आपकी तैयारी लेवल सब कुछ अच्छा, और आप सोच के चलेंगे 300। अब जिसको आप अपना लक्ष्य बनाते हो ना, या तो वहाँ तक पहुँचते हो या तो थोड़े बहुत रह जाते हो, अब 300 से थोड़े बहुत रह गए तो फिर दिक्कत हो जाती है। सीधे सीधे टारगेट 600 मार्क, 150 क्वेश्चन, काम खत्म, ठीक। चलो आप बायोलॉजी 85, एकदम सिंपल से आप फंडा है, बायोलॉजी 85, केमिस्ट्री 36 to 37, फिजिक्स 33, कितने हो गए, 7, 5, 12, 15, 3, 3, 6, 8, 6, 14, 1, 15, ज़्यादा ही हो गए, कर लो 30, कर लो 35, 5, 5, 10, 15, सिंपल। अब बोलो कि इसमें हम एक आध दो प्लस कर सकते हैं, तो हो सकता है एक आध दो माइनस इधर हो जाए, या अब मिनिमम मैंने कहा ना, हो सकता है तुम्हारे फिर 155 आ जाए क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है यदि इतना टारगेट किए तो, और ये टारगेट कम से कम होना चाहिए मिनिमम। और ये बेटा आपके टेस्ट से आदत आएगी, मिनिमम गलतियां करिए आप, देखिए आप जा करके अपने टेस्ट पेपर में देखे होंगे कम से कम फिजिक्स में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप सही कर सकते थे, कम से कम केमिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चन होंगे, कम से कम बायोलॉजी में 5 क्वेश्चन होंगे, तो 15 क्वेश्चन है अपने में, आप 15 क्वेश्चन मतलब 75 मार्क जोड़िए, देखिए आप पहुंच रहे हैं 600 के आसपास कि नहीं, नियर अबाउट पहुंच जाएंगे, ठीक है, या क्रॉस कर जाएंगे। और बेटा और जितने अब कुछ लोग हैं कि टेस्ट का जो टेस्ट, सर ये टेस्ट वाला नहीं पढ़ पाए थे, जब तुम टेस्ट के टाइम टेस्ट का नहीं पढ़ पा रहे हो इतना सिलेबस, तो तुम पूरे नीट के टाइम नीट कैसे रिवाइज करके दे पाओगे। इसलिए बेटा एक्सक्यूज नहीं, या मेरी तबीयत खराब थी, रिजल्ट के दिन तुमको ये याद ही नहीं रहेगा कि टेस्ट 4 में मेरा तबीयत खराब था या टेस्ट 7 में मेरी तबीयत खराब थी। रिजल्ट के समय केवल क्या होता है, सिलेक्शन या फिर नॉन सिलेक्शन, और कोई किसी भी कोई बात भी नहीं सुनता तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि सब क्या कहेंगे, सब बहाने हैं। फिर आप अपने आप को पूछते हो ये कैसे हो गया,
छोटे छोटे टारगेट आप अचीव करते जाओगे, बड़े टारगेट अपने आप अचीव हो जाएंगे। एक ही बार में आप बड़े टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे बेटा। तो ये टेस्ट जो होते हैं ना, ये शॉर्ट माइलस्टोन होते हैं आपके लॉन्ग टर्म सही करने के लिए। इसलिए टेस्ट को उतना ही सीरियस दीजिए जितना सीरियस आप नीट एग्ज़ाम को देने वाले हैं, और उससे कम सिंसियरिटी मत रखिए। कई बार अरे टेस्ट ही तो था, टेस्ट ही बताता है कि हु आर यू एंड वेयर आर यू लाइंग, तुम कहाँ लाई कर रहे हो एग्ज़ाम में, तुम्हें टेस्ट ही बताता है। चलिए बेटा देखिए, द अदर टाइप ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल दैट वन वुड फाइंड द एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन एंड एनी लिविंग टिश्यू इज द न्यूक्लिक एसिड, दीज आर द पॉली न्यूक्लियोटाइड। याद रखिएगा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड, सिंगल चेन या डबल चेन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। क्या डीएनए सिंगल चेन हो सकता है, हाँ वायरसेस में होता है सिंगल चेन, डीएनए डबल सिंगल स्ट्रैंडेड होता है बेटा। टुगेदर द पॉलीसेक्राइड एंड पॉलीपेप्टाइड दिज आर कंपेयर टू द ट्रू माइक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन इन एनी लिविंग टिश्यू। कह रहे हैं पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन और पॉलीकार्बोसेक्राइड यानी कार्बोहाइड्रेट। क्या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मिला करके लिविंग स्टेट बनाते हैं, बिल्कुल ठीक। द न्यूक्लिक एसिड बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड, द न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड हैज थ्री केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। क्या क्या तीन कौन होते हैं बेटा, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कौन हो गया तुम्हारा शुगर, और हेट्रोसाइक्लिक ये भी है नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। मोनो इज मोनोसेक्राइड एंड थर्ड इज अ फॉस्फोरिक एसिड यार फॉस्फेट, याद रखने का बेटा। तो आपका वन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड सेकेंड इज मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड का मतलब शुगर को दे दिया है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक किसको बताया इसने, नाइट्रोजिनस बेस को, लेकिन दोनों हेट्रोसाइक्लिक होते हैं बिल्कुल याद रखिएगा। आर यू नोटिस द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज न्यूक्लिक एसिड आर द नाइट्रोजिनस बेस नेम एज एडिनिन ग्वानिन यूरेसिल साइटोसिन थायमिन। अब एडिनिन का नाम क्या है बेटा, सिक्स अमीनो प्यूरिन, फटाफट आपको नाम याद होना चाहिए। ग्वानिन का नाम क्या है, टू अमीनो सिक्स ऑक्सो प्यूरिन। अच्छा यूरेसिल का नाम क्या है, टू फोर डाई ऑक्सो पैरिमिडिन, टू फोर डाई ऑक्सो पैरिमिडिन। अच्छा बताओ इसके बाद कौन सा दिया है, यूरेसिल के बाद दे दिया इसने थायमिन, फाइव मिथाइल यूरेसिल, ठीक है। साइटोसिन टू सिक्स डाइऑक्सो नहीं है, यूरेसिल टू अमीनो सिक्स ऑक्सो पैरिमिडिन, सारे केमिकल नेम याद हो गए, बस बिल्कुल याद होने ही चाहिए बेटा। अच्छा यूरेसिल का नाम बताओ, तुरंत सोचो बताओ, कोई बात नहीं टाइम ले लो। एडिनिन का नाम अब बेटा क्लास में कुछ लोग इसको तैयार करके बैठे हैं, तुमने नहीं तैयार किया है, कंपटीशन इन्हीं से दे देना है, अब एक्सक्यूजेज नहीं आने चाहिए ना, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं बेटा, पढ़ाया सबको वही गया है, एक एक स्ट्रक्चर सबको वही समझाया गया है, इसलिए पढ़िए, पढ़ने का दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और ये यदि याद रहेगा ना तो आप अमीनो एसिड एसिड को आप देखेंगे, अरे ठीक है नाइट्रोजिनस बेस, जब तुम्हें स्ट्रक्चर ही याद है तो नाम नहीं याद होगा, सिंपल सी बात है, फिर नाम याद हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे, एडिनिन ग्वानिन आर सब्सटीट्यूटेड प्यूरिन, एडिनिन और ग्वानिन को हम क्या कहते हैं, प्यूरिन कहते हैं। पायरिमिडिन में तीन है, थायमिन यूरेसिल साइटोसिन, लेकिन डीएनए में कौन सा नहीं होता है, पायरिमिडिन यूरेसिल, और आरएनए में कौन सा नहीं होता है, पायरिमिडिन थायमिन। क्या जो प्यूरिन होता है वो डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है, हाँ क्लियर हो गया, एकदम बेसिक चीजें बिल्कुल याद करें। द स्केलेटन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड प्यूरिन एंड पिरामिडिन रिस्पेक्टिवली। हेट्रोसाइक्लिक जो रिंग है उसका स्केलेटन क्या है, प्यूरिन एंड पिरामिडिन है, उसी से हमने एडिनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन सारे बनाए हैं। तो स्केलेटन में हमने सबसे पहले आपको मैंने प्यूरिन और पिरामिडिन बताया था, इसके बाद तब बेसिस कैसे बनते हैं ये बताया था, ठीक है। द शुगर फाउंड इन अ पॉलीपेप्टाइड आइदर राइबोज मोनोसेक्राइड पेंटोज या फिर एल्डोज कह सकते हैं, ठीक है। एंड टू प्राइम डीऑक्सीराइबोज,
टू डैश क्यों लगाया बेटा? क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे ही राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में अंतर होता है। राइबोज में सेकेंड पोजीशन पे OH होता है, जबकि डीऑक्सी राइबोज में केवल H होता है। ठीक, अगर न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सी राइबोज इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA, वाइल विच कंटेन राइबोज इज कॉल्ड द पॉली न्यूक्लियोटाइड एसिड RNA। पेज पलटिए बेटा, नेचर एंड बॉन्ड लिंकेज विथ मोनोमर एंड पॉलीमर। अब मैं यहाँ प्रोटीन भी पढ़ा चुका हूँ आपको, आपको ये भी बता चुका हूँ, केवल क्या नहीं बताया है बेटा, सैक्राइड, पॉलीसैक्राइड, डाइसैक्राइड, मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो भी यहाँ दिक्कत नहीं होगा, वो अलग से मैं बता दूंगा आपको। पॉलीपेप्टाइड आर प्रोटीन अमीनो एसिड लिंकेज विद, अब कह रहा है अमीनो एसिड लिंकेज विद पेप्टाइड बॉन्ड, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, विच फॉर्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड सीओएच ग्रुप एंड वन अमीनो रिलीज टू द अमीनो एसिड NH2 ग्रुप एंड नेक्स्ट अमीनो एसिड विच एलिमिनेशन विथ वाटर मॉइस्टी। कह रहे हैं NH2 ग्रुप COH ग्रुप से मिलता है और ये दोनों मिलकर के वाटर निकाल देते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में। बिल्कुल सही बात था, पेप्टाइड बॉन्ड जो बना था, यदि आपको थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर याद हो तो C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है, यही था पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, यही था पेप्टाइड बॉन्ड, पूरा स्ट्रक्चर बनाया हो बेटा। द नेक्स्ट अमीनो एसिड विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉइस्टी विच प्रोसेस कॉल्ड डिहाइड्रेशन द पॉलीसेक्राइड। अभी पॉलीसेक्राइड नहीं पढ़ाया है, लेकिन यही समझ लो, पॉलीसेक्राइड अभी पढ़ाऊंगा, इस बातें बिल्कुल याद हो जाएगी। पॉलीसेक्राइड में भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है, लेकिन बेटा नाइट्रोजिनस बेस में जो होता है एन ग्लाइकोसिडिक होता है, उसमें ओ ग्लाइकोसिडिक होता है, क्योंकि इसमें इंटरवीनिंग क्या होता है, नाइट्रोजन, उसमें इंटरवीनिंग क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं पॉलीसेक्राइड इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिस फाउंड इन फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन। यहाँ भी वाटर निकलेगा, दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू कार्बन एडजेसेंट सेक्राइड न्यूक्लिक एसिड फॉस्फेट लिस्ट बाय 3' कार्बन टू 1 sugar एंड अदर 5' कार्बन। न्यूक्लिक एसिड जो लिंक होता है बेटा, वो 5' वाला एक होता है, दूसरा 3' वाला होता है, बिल्कुल सही बात है। Sugar to the succeeding the nucleotide, the bond between phosphate and hydroxyl group, phosphate और किसके बीच में, hydroxyl group of sugar in a ester bond, clear है, आगे चलेगा। There is the one ester bond on either side of called the phosphodiester bond। तो बेटा न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड जो है दोनों साइड में लगा हुआ है, इस न्यूक्लियोसाइड की इस साइड है, उस न्यूक्लियोसाइड की उस साइड है, तो एक न्यूक्लियोसाइड ऐड है किस बॉन्ड से, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, या कह दे शुगर किससे ऐड है, शुगर से, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से। न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट वाइड वैरायटी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, याद हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर है न्यूक्लिक एसिड का, क्यों, लेकिन डीएनए में आरएनए में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं होती, लेकिन टीआरएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, टीआरएनए में वही कॉइल ऐसे से घूम के बना लेता है एनटी, पढ़ा होगा 5-3' इंड, यहाँ पे OH होता है 5', इंड यहाँ पे फास्फेट होता है, ये पढ़ा होगा टीआरएनए का स्ट्रक्चर, नहीं पढ़ा होगा, हाँ तो टीआरएनए का एक ही बेटा अपने में करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो ये टीआरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है इसको कहते हैं क्लोवर लीफ, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है कहते हैं इन्वर्टेड एल, इन्वर्टेड एल ही एक्टिव फॉर्म होता है, बिल्कुल पढ़ेंगे, बिना उसके एमिनो एसिड सिंथेसिस कहाँ से पढ़ाऊंगा। न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर द, किसके लिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिट डीएनए ऑफ द फेमस वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वाटसन एंड क्रिक मॉडल क्या था, डबल हेलिकल मॉडल, तो डबल हेलिकल डीएनए का मॉडल वो प्राइमरी का है कि सेकेंडरी का है, सेकेंडरी का, कैसे पता लगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। दिस मॉडल वाज द डीएनए एग्जिस्ट इन अ डबल हेलिक टू स्ट्रैंड द पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंटी पैरेलल, बिल्कुल सही बात है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, दोनों एक दूसरे कैसे हैं, एंटी पैरेलल, एक 5' इंड से दूसरा 3' से। अच्छा ये बताओ शिवांगी, अच्छा तुम बताओ बेटा कि 5' क्यों कहते हैं, 3' क्यों कहते हैं, नाइट्रोजिनस बेस को इसमें पहले नेमिंग कर चुके होते हैं 1-2, तो इसका नंबर अब 1-2-3 करते हैं, ठीक। चलो द टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंटी पैरेलल रन द अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। अच्छा उसको देखो 5' से किस तरफ आ रहा है, 3' पे, दूसरे वाले को देखो किस से आ रहा है, 3' से 5' आ रहा है, ठीक है। द बैक बोन फॉर्म शुगर एंड फॉस्फेट चेन,
सही है। बैकबोन कौन बनाता है इसमें? सुगर और फॉस्फेट। द नाइट्रोजिनस बेस इज प्रोजेक्टेड मोर आर लेस परपेंडिकुलर टू बैकबोन बट फेस इनसाइड। मैंने कहा था वो कहेगा कि नाइट्रोजिनस बेस जो होता है उस चैन के आउटसाइड प्रोजेक्टेड है कि इनसाइड? इनसाइड प्रोजेक्टेड है। क्लियर हो गई ये सब बातें? आगे देखिएगा बेटा, ए एंड जी स्ट्रैंड इज कंप्रेसिबली बेस पेयर टी एंड सी। ए किसके साथ बनाता है? जी के साथ। टी किसके साथ बनाता है बेटा? सी के साथ। गलत, फिर से सुनो अब। ए एंड जी इज वन स्ट्रैंड इज बेस पेयर टी एंड सी। ए टी के साथ और जी सी के साथ। इस लाइन में कंफ्यूजन होता है। कहता है ए जी है और जो कंपेयर करता है या फिर पेयरिंग बनाता है टी सी से, तो ए का टी से, जी का सी से। इस लाइन को पढ़ के बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सर बताए थे ए जी ए टी, यहाँ ए जी दिया हुआ नहीं। सुनो, ए जी इज वन स्ट्रैंड बेस पेयर विथ टी सी। ए जी जो होता है एक स्ट्रैंड का दूसरे के टी और सी से पेयरिंग करता है। बिल्कुल सही बात है। आपस में बेटा न्यूक्लियोटाइड थोड़ी पेयर करते हैं, आपस में जो दिया हुआ है, जैसे ये ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड है इसके साथ ये पेयर थोड़ी बनाता है। प्यूरीन प्यूरीन आप एक चेन के नहीं बनाते हैं, एक चेन का प्यूरीन दूसरे का पायरिमिडीन। ठीक, आगे देखिएगा। आइदर ऑन द अदर स्ट्रैंड देयर आर द टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए टी एंड थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन जी सी। ईच स्ट्रैंड अपीयर लाइक हेलिकल स्टेयरकेस एंड ईच स्टेप रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ बेस। अब कह रहे हैं ये ऐसे बन गया, हेलिकल है। हेलिकल का मतलब कैसे हो गया बेटा? ये ऐसे बना रहा है, कह रहे हैं हेलिकल स्टेयर जैसे हैं वैसे है। और ये क्या है बेटा? एक एक स्टेप क्या है? एक एक बेस पेयर है। ठीक है, तो एक पिच में कितने बेस पेयर होते हैं? 10। लेंथ कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम। तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की लेंथ कितनी हो गई बेटा? 0.34 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम। आगे देखिएगा। अच्छा बताओ, पिच मतलब घूम रहा है, तो एक एक बार घूमने में कितने डिग्री घूमा? 360। मतलब 10 बेस पेयर कितने एंगल पे हैं? पहला यदि 0 पे है तो दसवां कितने पे होगा? 360। तो 10 बेस पेयर जाने में बेटा एक चक्कर घूम जाता है पूरा 360। तो एक बेस पेयर कितना घूमता होगा? 360 by 10, 36 डिग्री। क्लियर हो गया? हेलिक्स बना रहा ना, सर्कुलर घूम रहा ना। तो बेटा 10 मिलकर के एक सर्किल बनाते हैं, तो 10 मिलकर के कितना डिग्री घूमे? 360। तो एक बेस पेयर कितना टिल्ट होगा? कहेगा पहले बेस पेयर से दूसरा कितना होगा? 36। दूसरे से तीसरा 36, पहले से तीसरा 72। क्लियर हो गया? देखिएगा, ये सब वहां पे बताना था, यहां भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है। ईच स्टेप ऑफ स्ट्रैंड टर्न 36 डिग्री एंड फुल टर्न हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप या 10 बेस पेयर। कह रहा है एक टर्न घूमने में कितना बेस पेयर लग जाते हैं? 10। वही क्या होता है? पिच। ठीक, अटेम्प्ट ड्रा वाइज द लाइन डायग्राम, वन पिच वुड बी 34 एंगस्ट्रॉम, द रेस पर बेस पेयर वुड बी 3.4 एंगस्ट्रॉम। कह रहे हैं 100 बेस पेयर के बीच में हम डिस्टेंस देखते हैं तो कितना होता है? 34। तो एक बेस पेयर के बीच में कितना होगा? अब कितने लोग कहेंगे सर यहीं से घूमा यहीं आ गया तो 0 हो गया। अबे हेलिकल का मतलब होता है जानते क्या? यहां से घूमा यहां पहुंचा। ठीक है, फिर यहाँ से घूमा यहाँ पहुँचा। और इसका हेलिक्स तो अलग ही टाइप का होता है बेटा। डबल हेलिकल का मतलब होता है देखो ये ऐसे होता है ये हेलिक्स, कि कहीं भी देखो ये टर्न हो गया है। अब एक टर्न मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, समझ गए? चलो आगे। बोले सर इतना मुड़ा था ये, तुमको देखने में इतना मुड़ा लगता है, ये स्ट्रेट ही होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ठीक, चलो आगे। द राइज बेस पेयर वुड बी 3.4 एंगस्ट्रॉम,
दिस फॉर्म ऑफ डीएनए वुड एवव मेंटेन साइलेंट फीचर इज कॉल्ड बीडीएनए। ये कौन से डीएनए का बता रहे थे? ये सब है लिक्वेलिक्स, सारा का सारा बीडीएनए। बेटा मैंने बताया दसियों टाइप के डीएनए हैं, सबको इंग्लिश के अल्फाबेट ए बी सी डी दिया गया, अल्फा बीटा गामा दिया गया डीएनए। इन 200 टाइप के हैं यार डीएनए, मतलब ही नहीं है, तुम्हें पढ़ना भी नहीं है, केवल बीडीएनए के बारे में जानो। इन हायर क्लास यू स्टडी दे आर मोर देन डोजन फॉर्म ऑफ डीएनए। कह रहे हैं कितने टाइप के हैं डीएनए? दर्जनों के हिसाब से हैं। नेम डाइट इंग्लिश अल्फाबेट यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर। अब जब जाओगे आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे हार्पर की, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तब आप देखोगे कि ऐसे हैं बायोकेमिस्ट्री, वहाँ भी पढ़ना है डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर। बोले सर मेरे कॉलेज में डीएनए आरएनए का क्या? मेनोसिंथेसिस।